तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सीमा सुरक्षा बल BSF के। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं कि आप SMT वर्कशॉप का BSF का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो मिल सके। सबसे पहले आपको sarkarel.com पर आना है, लास्ट जॉब्स पर आना है, उसके बाद नीचे आएगा BSF SI हेड क्वार्टर ऑनलाइन फॉर्म, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर जाओगे। अगर आप इस वाले पोस्ट को भर रहे हैं तो यहाँ पर इतनी फीस लगेगी। अगर आप SC ST की इतनी है, फीमेल कितनी है और अदर पोस्ट के लिए आपकी इतनी फीस है, जनरल OBC वाले के SC ST कितनी फीस है, ऑल फीमेल कितने रुपये फीस है। और 17 जून आपकी लास्ट डेट रखी गई है, 17 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम समझेंगे कि आप अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। इस फॉर्म को नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 20 ईयर आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर उम्र दी हुई है। अब दोस्तों हम करेंगे SMT वर्कशॉप, ये वाला सब इंस्पेक्टर SI व्हीकल मैकेनिक एडो, ये तो इसमें जो है 3 ईयर का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास इसमें मतलब कई सारी पोस्ट है। एक नीचे भी है ये वाली, ये भी है 10वीं प्लस ITI भी आपसे मांगी जा रही है इसमें, ये वाली भी आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो, ये वाली और ये वाली आपकी दी हुई है, तो इनमें से आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप भर लेंगे। 1.65 हाइट है, चेस्ट आपकी 75-80 है, 1.57 लड़कियों के लिए हाइट है। अब नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर करना है कैंडिडेट लॉगिन। दोस्तों अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने हैं तो पहले आपको नाम डालना पड़ेगा, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल ID आपकी डलेगी। ईमेल ID डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक किया जाएगा। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर, दोनों में से एक पर किसी पर OTP आएगा, OTP आप वेरीफाई कर देंगे, डाल देंगे। और डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है, आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा किस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप मतलब लॉगिन करोगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा, आधार नंबर आपको डालना है। और यहाँ पे भी आपको एक ID सेलेक्ट करनी है, जिसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक ID आप दे सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है, आपकी उम्र यहाँ पर आ जाएगी लिखी हुई कितनी है आपकी। उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा, पापा का नाम आ जाएगा, आपके माता जी का नाम, शरीर पर कोई मार्क है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नो मार्क आप डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपसे पूछा जाएगा, मेल है, फीमेल है, मैरिड है, इन मैरिड है, वो सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू सर्टिफिकेट, अगर आप मूल निवासी है, आपके पास मूल निवास है तो यस करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद मूल निवास का नंबर, आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है। उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे आपको धर्म अपना देना पड़ेगा, जो भी आपका हिंदू, मुस्लिम, जैन, जो भी सिख, बौद्ध, जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जाति आपकी कौन सी, SC ST OBC जनरल, अगर आप जनरल से फॉर्म को फिल करें तो जाति प्रमाण पत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप SC ST OBC वाले से फॉर्म को फिल करें तो जाति प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, और आपका जाति किसने जारी किया है उसका नाम डालना है, अधिकारी का। उसके बाद जाति आपका कब जारी हुआ है उसकी डेट आपको डालनी है। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा भर्ती का तरीका, तो इनमें से आपको डायरेक्ट ही सेलेक्ट करना है और बाकी आप देख लेना। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपको कोई विकलांग है, अगर है तो यस करेगा, नहीं तो नो। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो नो, यहाँ पर भी। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस के लिए बोला जाएगा, तो एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसी तरह से देख सकते हैं विलेज, गगोल, पोस्ट गगोल, थाना परतो, मतलब अपना जो भी एड्रेस है वो आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने एड्रेस डाल चुका हूँ। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद स्टेट आपका डाल दिया है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका विलेज या शहर का नाम डाल सकते हैं, उसके बाद पुलिस स्टेशन आपका क्या है,
उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप डाल सकते हैं, तहसील आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक करके दोनों में एक एड्रेस डाल सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, कुछ नहीं करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई एनसीसी का प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो इसे आप यस करिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, तो यह है तो यस करिए, नहीं तो नो। उसके बाद आएगा आपकी हाइट, हाइट आपकी कितनी है वो आप हाइट अपनी डाल देंगे। उसके बाद आपकी चेस्ट कितनी है वो आप यहाँ पर डालिए। उसके बाद आपका वेट वजन कितना है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे भी नो करना है, यहाँ पे भी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद डाटा आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए, तो ऑलरेडी मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरी हुई है। अगर आपको इसमें अलग से भरना है कुछ तो यहाँ पे आप अलग से भी इसमें भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपनी योग्यता का प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र आपका क्या है वो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ पासिंग कब हुई है वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टेट का नाम आपका क्या है वो आप फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको, सॉरी, विद्यालय, विद्यालय बोर्ड का नाम आप डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम भी आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, डाटा आपका ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, या ITI, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली है जो जो मैंने किया हुआ है। अगर आपको इसमें कनेक्शन करना है तो यहाँ पे पहल सिंह का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चेंज करना है। डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, वो आप देख लेना। जो भी आपका क्वालिफिकेशन आप डाल देना, जो भी आपसे मांगी गई है क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप सेवा करता है, अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, 10th और 12वीं की, और ITI और ग्रेजुएशन, जो जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी डिटेल दी थी एजुकेशन में, वही डिटेल वही अपलोड आपको करना है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जाति का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट आप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा होम पेज पे। अब आपको जो भी पोस्ट अप्लाई करनी है, जैसे ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है, जिस पोस्ट को भी आपको अप्लाई करना है, उसके सामने आपको अप्लाई हेयर का बटन मिलता है, अप्लाई हेयर पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट पोस्ट, तो आपको अपनी सेलेक्ट जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप भर रहे हैं फॉर्म को, उस पोस्ट को इनमें से आप देख लीजिए और उस पोस्ट को आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों जो भी पोस्ट आपको इनमें से सेलेक्ट करनी है, ये कॉन्स्टेबल और SI की पोस्ट है, तो जिस पोस्ट को भी आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपका हाई स्कूल पास है तो आप इसे यस करिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अपने ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यस करिए। अगर उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस, तो यस कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हो। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है अगर आपके पास है तो इसे यस करेंगे। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फिजिकल जाति आपकी, यहाँ पर आप, अगर आपको, आप इनमें से आते हैं, इन राज्य में से, जैसे कि महाराष्ट्र, ये भी जो भी इसमें राज्य दिए हुए हैं, मेरा इसमें कोई भी राज्य नहीं है, तो मैं यहाँ पे जनरल से इस फॉर्म को भरूँगा। वो जनरल में, मतलब जनरल में श्रेणी में भर के इसे जब भी अप्लाई करूँगा, फिर आपकी हाइट आ जाएगी, फिर आपकी चेस्ट आपकी आ जाएगी, वेट आपका कितना आ जाएगा वो आएगा, फिर यहाँ पर बोला जाएगा अपलोड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके पास एक्सपीरियंस का जो है वो है कागज, उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा फार्म का, मतलब कि प्रीव्यू चेक करने के लिए, मतलब प्रिंट आप अच्छे से चेक कर लेंगे एक बार,
जब आपको लगे सब कुछ ठीक है तो दोस्तों उसके बाद ही आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको प्लेस में अपना स्थान डालना है जहाँ से आप फोन को फिल कर रहे हैं। उसके बाद केंद्र की प्राथमिकता मतलब सेंटर आपको डालना है, जो भी आपका सेंटर आसपास है आपका वो आप डाल दीजिए। जैसे मैंने दिल्ली डाल दिया है, बाकी जो आपके आसपास है वही आप डाल देंगे। उसके बाद देख सकते हैं पेमेंट मेरा 47 रुपये दिखा रहा है, तो यहाँ पर मेरे ऐसे से फ़ोन को फिल कर रहा है तो यहाँ पर 47 रुपये मेरा यहाँ पर दिखाया जाएगा। और यहाँ पे फिर आपको टिक कर देना है नीचे और यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा देखने के लिए, आई एग्री कर देंगे। उसके बाद आप पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आप पेमेंट कई माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इन सब से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और ये मैक पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट, तो जिससे भी आपको ठीक लगे उससे आप पेमेंट कर लीजिए। और पेमेंट करने के बाद ही आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप BSF का वर्कशॉप का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने बता दिया है कैसे कैसे फिल कर। दोस्तों इस तरह से आप BSF का फॉर्म भर लीजिए, प्रोसेस मैंने बता दिया है, वर्कशॉप का फॉर्म है ये। ITI वाले और बिना ITI वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहा है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और भाई को सपोर्ट दिखाइए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के ला सकूँ। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।